देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, IMA देहरादून का ये मुख्य द्वार है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य। दोस्तों आज की शुरुआत हो रही है, गाड़ी में आप लोग देख रहे होंगे तो एक कुछ काम से निकल रहे थे, कहीं खत्म ना हो मंजिल, चाहे कितनी भी दूर हो आपको थकावट का एहसास नहीं होगा। आहा, क्या बात है, वाह जी वाह, मतलब हमारे देश में भी इस तरह की खूबसूरती और हम लोग विदेशों में ढूंढते हैं, क्या बात है यार ये। ओहो हो, क्या बात, घने वृक्ष मतलब, और रोड देखिए बेहतरीन, मजा आ गया, वाह वाह। ये टिबेटन मोनेस्ट्री है, बौद्ध मोनेस्ट्री, देख रहे होंगे घने वृक्ष हैं और ऊपर उतने ही घने बादल हैं, क्योंकि यहाँ जो वनों का परसेंटेज है, जो पेड़ों का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर मौसम सदाबहार रहता है, बहुत बेहतरीन और बहुत खुशनुमा माहौल यहाँ पर हमेशा रहता है, और साथ ही साथ इस समय प्रकृति ने भी ऊपर से बादल कर दिए, तो एक तरह से कह लीजिए सोने पर सुहागा कर दिया। और ये रास्ते को देखिए आप, वाह, इस रास्ते की खूबसूरती मैं अपने लफ्जों में नहीं बयां कर पा रहा हूँ, है ना, आप खुद ही इसको महसूस कीजिए, आप इमेजिन कीजिए हमारे साथ कि आप भी इन रास्तों में होते हैं। और यहाँ भी बच्चे अपने फोटो शूट करवा रहे हैं, आप देखिए इस रोड को देखिए, और माँ बाला सुंदरी का मंदिर भी है सामने, ये देखिए अब माता बाला सुंदरी का मंदिर था इसके पीछे, और आप फिलहाल इस व्यू को एंजॉय कीजिए। सामने की पहाड़ी पे आपको दिख रहा है उधर मसूरी है, वो सामने है मसूरी, वहाँ सामने मसूरी है वो। तो दोस्तों आपने IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम तो सुना ही होगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ही स्थित है, अभी हम उसके बाहर से गुजरेंगे तो मैं आपको उसका दृश्य दिखाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे पासिंग आउट परेड हुई थी, जो हमारे देश के सेना में सैन्य अफसर जो बनते हैं उनकी ट्रेनिंग यहीं पे IMA देहरादून में ही होती है, और मेरी बाईं तरफ आप देख रहे होंगे IMA का की बाउंड्री शुरू हो गई है, देख रहे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, IMA देहरादून का ये मुख्य द्वार है राष्ट्रीय भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्य द्वार है, सामने आपको दिख रहा है चैटवुड हॉल जहाँ पे पासिंग आउट परेड होती है। ये सामने दोनों तरफ मेरे जो है, ये देखिए आप चैटवुड हॉल, यहाँ पे पासिंग आउट परेड आयोजित की जाती है। आप ये देख रहे हैं ये गेट और ये बिल्डिंग, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, बहुत ही ऐतिहासिक है और कई तरह के कोर्सेज यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, बहुत ही शांत और बहुत ही खूबसूरत प्रकृति के बीच में बसा हुआ। अच्छा सुन टाटा, पा पा पा।
वेलकम बैक दोस्तों, अपने घर पे हम लोग वापस पहुंच चुके हैं और सही सलामत बहुत इंजॉय किया हमने वहाँ पर। जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मौसम भी था। ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत थकान हो गई है, बहुत ज़्यादा शरीर टायर्ड हो गया है, थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। आँखें भी आप मेरे देख रहे होंगे लाल हो गई हैं। कल रात भी ढंग से नींद नहीं आई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, तो अब जो है ऐसे ही इस ब्लॉग मिलते फिर कल एक नए ब्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।